सो ऑलराइट गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं व्यू के Y53 डिवाइस के अंदर आप स्मार्ट कॉल सेटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हैं एंड गाइस आप उसका यूज़ भी कर सकते हैं। तो चलो हम डेमो करके दिखाते हैं आप कैसे इनेबल करेंगे स्मार्ट कॉल को। उसके लिए गाइस आपको सिंपली फ़ोन सेटिंग्स को ओपन करना होगा। जस्ट यहाँ पर हमारा सेटिंग है, इस पर क्लिक करेंगे देन गाइस जो सेटिंग्स आपको हमारे डिवाइस में देखने को मिल रही है थोड़ा सा डिफरेंट आपको मिलेगा आपके फ़ोन के अंदर, क्योंकि जो सेटिंग्स हमारा है ये वीवो का V11 है फ़ोन हमारा, सो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट सेटिंग्स मिल सकती है आपके फ़ोन में। तो आपको क्या करना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करके आना है। यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट मोशन का, जो आपको शॉर्टकट में ही मिल जाएगा स्मार्ट मोशन, लेकिन मेरा जो स्मार्ट मोशन है वो शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी के अंदर है, तो मैं इसको ओपन करूँगा। ये वाला स्मार्ट मोशन का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, शॉर्टकट के ही अंदर मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसे सिंपली प्रेस करना है। जस्ट इसको हम प्रेस करेंगे अभी का, जिसमें आपको देख सकते हो काफ़ी ऑप्शन हैं, लेकिन आपके भी डिवाइस में इसमें काफ़ी ऑप्शन मिलेंगे। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शंस आपको शो होंगे जब आप इस ऑप्शन को ओपन करेंगे। आपको मिल जाएगा स्मार्ट वेक, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ईयर ऑपरेशन यहाँ पर आपको मिल रहा है, तो ये भी आपको मिल जाएगा। ऑटो स्क्रीन ऑन ऑफ है, तो इसका भी आपको फीचर आपके डिवाइस में देखने को मिल जाएगा। जो आपको नहीं मिलेगा टाइल टू जूम पिक्चर्स, इसका ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा देखने को, क्योंकि मेरे फ़ोन में इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये जो ऑप्शंस है वो अलग सेटिंग्स के अंदर है, लेकिन आपके वीवो के Y53 डिवाइस में ये भी देखने को मिल जाएगा। तो चलो अब हम जिसको बताते हैं, स्मार्ट कॉलिंग का ऑप्शन दिख रहा है लेकिन आपके डिवाइस में इसका स्मार्ट कॉल मिलेगा, सिंपली इसको प्रेस करना। और यहाँ पर जैसे प्रेस करेंगे गाइस, जो सेम सेटिंग्स हमारे फ़ोन में मिल रही है सेम टू सेम आपके भी फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाएंगी। सबसे पहले हमारा जो है स्मार्ट कॉल है, हम सबको ऑफ़ करते हैं, इसके बाद एक को हम ऑन भी करेंगे। तो चलो हमने सबको ऑफ़ कर दिया स्मार्ट कॉल हमारा, तो स्मार्ट कॉल को हमें ऑन करना है। उससे पहले हमें टेक्स्ट वाले पे क्लिक करना है। तो जैसे हम टेक्स्ट वाले पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर कुछ टेक्स्ट आ रहा है जिसे हमें रीड करना है। यू कैन कॉल कॉन्टैक्ट पुटिंग द फोन क्लोज और ईयर, तो कॉन्टैक्ट डिटेल मैसेज ट्रेड और कॉल डिटेल्स मैचिंग, ये जो चीज़ें आपको बता रहे हैं, इंटरफेस वगैरह देखने को मिलेगी, कॉल डिटेल्स निकाल सकते हो, आंसर मोड में ऑटोमेटिक डाल सकते हो। तो ठीक है, हम इसको रीड कर लिए, ओके पे क्लिक करके इसको ऑन कर देना। अभी हमारे पास ये फीचर ऑन हो जाएगा डिफॉल्ट कॉलिंग कार्ड का। हमें इसे सेलेक्ट करना है कौन से सिम कार्ड पे हम जो है इस ऑप्शन का इनेबल करना चाहते हैं। तो ठीक है, हमारा जो है दो नंबर चाहते हैं तो दो नंबर पे करेंगे। अब दो नंबर स्लॉट में जो भी सिम कार्ड्स होगी उस पर जो भी कॉल्स वगैरह आएंगी, वो जितने ऑप्शन आप यहाँ से ऑन करेंगे सब उस पर अप्लाई होंगी, ना कि एक नंबर पर। तो आप यहां से डिफ़ॉल्ट कॉलिंग कार्ड को सेट कर लीजिए किस सिम कार्ड पे आप इन सभी चीज़ों को चाहते हैं। नंबर दो की बात करते हैं, यहां पर आपको स्मार्ट आंसर का ऑप्शन मिलेगा, इसे प्रेस करना है टेक्स्ट वाले पे। फिर से एक डेमो आएगी यहां पर, पिकअप द कॉल एंड होल्ड इज योर कॉल ईयर आंसर एंड इनकमिंग कॉल्स। जब भी कोई कॉल्स आती है तो आप अपने फ़ोन को सिर्फ इस तरह डेमो वीडियो की तरह आपको ईयर के पास ले जाना है, वो आंसर मोड में ऑटोमेटिक चली जाएगी। तो ठीक है, हम इसको ऑन करते हैं। स्मार्ट स्विच में जाएंगे, यहाँ पर भी आपको ऑप्शन मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पर हैंड फ्री मोड स्पीकर मोड। जब भी ये आपका हैंड फ्री मोड स्पीकर मोड अगर ऑन करना चाहते हैं, कॉल्स आपके रिसीव है, तो आप इस तरह से इसको भी प्रोसेस करेंगे। जो भी आपको आंसर मोड में करनी है सेम टू सेम वैसे करना है, आपका हैंड फ्री मोड हो जाएगा। तो हम इसको भी इनेबल कर लेते हैं यहाँ से। स्मार्ट म्यूट है तो इसको क्लिक करें। इसमें आपको कवर द स्क्रीन टू म्यूट द फोन व्हाइल इज द रिंगिंग। जब भी आपके फ़ोन जो है रिंगिंग करता हो तो आपको कवर कर लेना अपने फ़ोन को कुछ इस तरह से, जैसे यहाँ पर आप डेमो देख रहे हैं, या फिर आप जो है फ़ोन को उल्टा भी करके रख देंगे तो भी आपका फ़ोन म्यूट हो जाएगा। तो ठीक है, हम इसको भी ऑन कर लेते हैं। जस्ट ऑन पे क्लिक करेंगे, ऑन हो जाएगा वेव टू हैंड फ्री। अब आपको क्या करना है, इस तरह से वेव करना अपने स्क्रीन पे और आपका जो कॉल है वो हैंड फ्री हो जाएगा। देख सकते हो वेन देयर इज एन इनकमिंग कॉल यू कैन आंसर कॉल हैंड फ्री बाई वेविंग द प्लैम और यहाँ पर अक्रॉस द टॉप ऑफ द फोन्स 2 सेंटीमीटर से 4 सेंटीमीटर के आसपास अगर आप इसको करते हैं तो ईजिली आपका फ़ोन हैंड फ्री हो जाएगा। इसको ओके करें देन ऑन करें। हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें स्मार्ट कॉल की ऑन कर दी है। आई होप आप भी इसको समझ गए होंगे कैसे करना है। फिर भी गाइस कोई कंफ्यूजिंग हो तो नीचे कमेंट सेक्शन आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।